नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये वक्त 10 मिनट में 50 खबरों का है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर नासिक से आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में बाल सुधार गृह से 12 बाल कैदी भाग गए हैं। करीब 15 फीट ऊंची दीवार कूदकर ये बच्चे भागे हैं। इनमें से 8 बच्चे पुणे के, 3 बच्चे सतारा के और 1 बच्चा मुंबई से है। 8 बच्चे फरार हो गए हैं और अब इन बच्चों को तलाश किया जा रहा है। वीरेंद्र सिंह गुणावत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। कोई जानकारी वीरेंद्र, 12 फीट ऊंची दीवार आखिर कैसे भाग गए, कहां चूक हुई और क्या कोई अभी इन बच्चों के बारे में खबर है वीरेंद्र? सही, कोई जानकारी नहीं मिली है, जबकि नासिक से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है, क्योंकि अभी भी शंका ये है कि बीती रात जैसे ही सुबह ये खबर आती है कि 12 बच्चे इस जेल से भाग गए हैं, तो उन्हें तुरंत पूरे नासिक में तलाश करने की पूरी इस वक्त पेट्रोलिंग चल रही है पुलिस। बहुत ही शॉकिंग बात है कि जिस तरह से नासिक के अंदर जो पुलिस का इंतजाम है, तो उसके तहत एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 बच्चे का एक साथ स्ट्रैटेजी के तौर पर, बल्कि 15 फीट ऊंची दीवार को कूद के अगर भागते हैं तो ये लापरवाही है। इसको लेकर पुलिस अब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन अभी तलाश बिल्कुल जारी है। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र। वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि लापरवाही है जेल बाल सुधार गृह प्रशासन की, कि किस तरह से 12 बच्चे और वो भी एक ऊंची दीवार फांद कर फरार हो गए हैं। और आइए अब जल्दी से देखते हैं 10 मिनट में 50 अहम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।